देख सकते हो धुआं बहुत हो चुका है यहाँ पे। तो स्टिक का ये जो है स्प्लेंडर में जो है आइडलिंग को सेट करने के लिए ये दे रखा होता है, अगर इसको मैं लूज करूंगा। इसमें आइरिडियम स्पार्क प्लग डाला है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्लेंडर बाइक के लिए जो टायर का प्रेशर है वो मैं फ्रंट के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको कैसे सेट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है बाइक की ट्यूनिंग के ऊपर। सो गाइस, इसके बारे में आपने जो है काफ़ी कम सुना होगा, लेकिन बाइक की ट्यूनिंग जो है एक टाइम पे जो है करनी ज़रूरी होती है। तो एक्चुअली मेरे पास जो बाइक है ये 2020 का मॉडल है, तो इसकी आज मुझे जो है ट्यूनिंग करनी है और ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, आप घर पर भी जो है इसको कर सकते हो। तो अभी जो मॉडल आ रहे हैं FI मॉडल, मतलब फ्यूल इंजेक्टेड मॉडल, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इसकी थ्रोटल बॉडी। सो गाइस, थ्रोटल बॉडी को क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने के फ़ायदे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो गाइस, थ्रोटल बॉडी क्लीन करने से, थ्रोटल बॉडी तो क्लीन होती है, इसके सेंसर वगैरह भी क्लीन होते हैं, साथ ही में इसका जो इंटेक का जो वॉल होता है और एग्जॉस्ट का वॉल होता है वो भी जो है क्लीन होता है, और साथ में जो पिस्टन के ऊपर भी कचरा जम जाता है वो भी जो है थ्रोटल बॉडी क्लीनर से जो है क्लीन हो जाता है। तो क्या थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने से पहले आपको जो है ये क्लैंप को खोलना है, तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ। ये एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको जो है खोल लेना है, तो ईजिली ये जो है खुल जाता है। वैसे ये अभी जो है लूज़ हो चुका है, सो अभी हमें जो है इसकी पाइप को कुछ जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेना है, क्योंकि ठंडी का टाइम है अभी, तो इसकी पाइप थोड़ी सी जो है हार्ड हो चुकी है। इस पाइप को जो है आपको कुछ इस तरह से निकाल के साइड में कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं जो है एब्रो का जो है थ्रोटल बॉडी क्लीनर को यूज़ कर रहा हूँ। ये बड़ी पैकिंग है, इसमें आपको जो है छोटी, मतलब कम भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो, मतलब ये लगभग आपका जो है 3 से 4 बार इसको जो है आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो थ्रोटल बॉडी को। तो सबसे पहले आपको इसको जो है मैं खोल के दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है इसकी नोजल पे ये पाइप आपको लगा देनी है, और अभी आपको जो है अपनी थ्रोटल बॉडी को क्लीन करना है। सो गाइस, क्लीन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी थ्रोटल बॉडी जो है कुछ ज़्यादा गंदी है तो आपको डायरेक्ट इस तरह से जो है क्लीन नहीं करनी, आपको पहले जो है अकेली थ्रोटल बॉडी को खोल के क्लीन कर लेना है, और उसके बाद आप जो है इस प्रोसेस का जो है यूज़ कीजिएगा। फिर आप बोलोगे कि थ्रोटल बॉडी को अगर क्लीन ही कर लिया तो उसके बाद इसको जो है इस तरह से क्लीन करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रोटल बॉडी जब आप क्लीन करोगे उसमें क्या क्या डर्ट वगैरह के पार्टिकल काफ़ी सारे अगर इस तरह से है, मतलब आपको जो है उंगली के साथ काफ़ी कुछ आ जाता है, तो वो सारा जो है इंजन के अंदर जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आप जो है थ्रोटल बॉडी को नॉर्मल क्लीन कर लीजिएगा खोल के, देन उसके बाद आप जो है यहाँ पर स्प्रे करेंगे। सो गाइस आपकी बाइक थोड़ा बहुत जो है धुआं भी देगी इससे, तो वो नॉर्मल है क्योंकि ये चलेगा तो थोड़ा बहुत धुआं जो है वो आता है। सकते हो धुआं बहुत हो चुका है यहाँ पे, तो इतना काफ़ी है। ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर को मैंने जो यूज़ कर लिया है। तो वैसे आप देख सकते हो इसकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ अभी हो चुकी है। अभी इसको जो मैं वापस से लगा देता हूँ, तो वैसे अभी आप इसकी आवाज़ चेकआउट कर सकते हो, ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और आपको जो है चलाने में मज़ा आएगा। और इसके बाद गाइस बारी आती है इसके आइडलिंग को सेट करने की। सो गाइस, स्टिक का ये जो है स्प्लेंडर में जो है आइडलिंग को सेट करने के लिए ये दे रखा होता है, अगर इसको मैं लूज़ करूँगा तो आप देख सकते हो हमारी जो रेस है वो बढ़ जाती है, और रेस है वो बढ़ चुकी है। इसको कम कर देता हूँ, और इसको जो है आपको उस हिसाब से सेट करना होता है कि जहाँ तक आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट रहे, बंद ना पड़े। तो अगर बाइक बंद पड़ती है तो थोड़ा सा इसको आप लूज़ कर लेना। बस फिलहाल जहाँ तक ठीक है। तो ये आइडलिंग स्क्रू को आपको जो है ये सेट करना होता है जब भी आप जो है थ्रोटल बॉडी को जो है क्लीन करते हो। इसके बाद गाइस बारी आती है थर्ड नंबर पे, इसकी जो थ्रोटल है इसका जो फ्री प्ले है उसको सेट करना। सो आप देख सकते हो इसकी फ्री प्ले थोड़ी कम है, तो जो वायर है उसके साथ ही आपको जो है एक यहाँ पर ये सेटिंग मिलती है जो टाइट है, तो यहाँ से तो मैं इसको लूज़ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर भी ये दे रखा है, इसको इसकी फ्री प्ले को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है 10 नंबर के जो है ये नट लगे रहते हैं। तो वैसे आप देख सकते हो अभी जो थ्रोटल की फ्री प्ले है उसको मैंने जो है एडजस्ट कर दिया है। तो स्पार्क प्लग का जो गैप है इसको जो है टाइम से जो है इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारी बाइक अभी चलती है, इंजन गर्म होता है फिर ठंडा होता है, तो उस हिसाब से कभी कभी क्या होता है हमसे ही जो है कभी
प्लग को जो है खोलते वक्त यहाँ पे चोट लग जाए तो इसका गैप जो है अनइवन हो जाता है। सो उसको जो है सेट करने के लिए हमें जो है इसको इसकी गैप को सेट करना पड़ता है। तो इसका गैप गाइस आपको जो है 0.6 से लेके 0.7 mm तक जो है रखना होता है इस बाइक में, और ये जो है अलग अलग हो सकता है आपकी गाड़ी के हिसाब से। तो इसको सेट करने के लिए गाइस एक जो है फिलर गेज आती है, तो वो फिलर गेज तो हमारे पास नहीं है, वो वायर टाइप होती है। हमारे पास ये वाली फिलर गेज है फिलहाल, ब्लेड वाली, तो हम जो है इससे इसको जो है सेट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 0.635 mm है, तो 0.6 से लेके 0.7 mm तक आपको इसका जो गैप है उसको सेट करना होता है। सो इस हिसाब से आप जो है इसके गैप को जो है प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो गाइस थोड़ा सा अभी जो है खुला हो चुका है, इसका गैप आप देख सकते हो कम कर दिया है। तो मैं ब्लेड को लगाता हूँ, सो ये टाइट है, तो ये ब्लेड मतलब मजबूत है, तो इससे ही मैं जो है इसको कुछ इस तरह से जो है इसका गैप सेट कर लूँगा। आप देख सकते हो अभी प्रॉपर इसका जो है 6 mm जो मैंने गैप है वो सेट कर दिया है। इसमें आयरिडियम स्पार्क प्लग डाला है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आयरिडियम प्लग मैंने डाला है, ये बोश कंपनी का ही डाला है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी बढ़िया हो गई है। तो इस तरह से गाइस आपको जो है गैप भी जो है टाइम से जो है इसको सेट करना होता है। स्प्लेंडर बाइक के लिए जो टायर का प्रेशर है वो मैं फ्रंट के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 25 आपको होना चाहिए अगर आप जो है अकेले बाइक को जो है चला रहे हो, और 28 तक होना चाहिए अगर आपके पास अगर आपके पीछे जो है कोई बैठा है, तब उस कंडीशन में 28 तक जो है आगे का जो टायर का प्रेशर है वो होना चाहिए। तो गाइस अभी चलते हैं पीछे वाले टायर की ओर। तो गाइस पीछे वाले टायर का जो प्रेशर है जो कंपनी रिकमेंड करती है वो करती है इसका 28। अगर आप कोई भी जो है राइडर को पीछे नहीं बिठाते हो तो 28 होता है, और अगर आपके पीछे कोई जो है पिलियन राइडर बैठता है तो उसका प्रेशर जो है 41 जो है कंपनी बताती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है 28 PSI को जो है इसमें जो है फिल कर दिया हवा को। अगर पीछे कोई पिलियन राइडर बैठता है तो उस केस में आपको जो है 40-41 तक जो है हवा को भरना होता है। तो गाइस यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों को जो है कन्फ्यूज़न रहती है कि जो ये दो दो ब्रेकें हैं, ये इंटीग्रेटेड जो ब्रेकिंग सिस्टम है जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको कैसे सेट करना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वाली जो वायर होती है जो आपकी जो है पीछे वाली ब्रेक के साथ लगती है, इसको आप जो थोड़ा लूज ही रखिएगा। अगर आप जो मड वगैरह मडी एरिया में रहते, जैसे आप देख सकते हो मट्टी वट्टी लगी हुई है टायर को, कभी जो है ये मड वगैरह से निकालता हूँ मैं बाइक को और पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करता हूँ, अगर ये वाली जो ब्रेक है ऊपर वाली अगर ये ज़्यादा लगती है क्योंकि ये पीछे वाले जो है ब्रेक से अटैच है, तो जैसे मैं पीछे वाली ब्रेक को थोड़ा भी अप्लाई करूँगा आगे वाली ब्रेक जो है वो भी अप्लाई होगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो है टायर स्किड होने का चांस रहता है। तो अगर आप मड वाले जो एरिया में रहते हो, यहाँ पे मड वगैरह में बाइक ज़्यादा चलती है, तो उस केस में आप जो है ऊपर वाली जो ये वायर है इसको थोड़ा लूज़ रखिएगा ताकि आपका जो आगे वाला टायर है वो स्किड ना हो। तो इस चैन को जो है प्रॉपर टाइम पे लूज कीजिएगा, और साथ में इसकी जो फ्री प्ले है थोड़ी सी रहने दीजिएगा। अगर आप जो है बिल्कुल चैन को टाइट कर देते हो तो ये छोटी बाइक होती है 100 cc की, इसमें इतना दम नहीं होता है, तो ये आपकी जो बाइक है इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो चैन को थोड़ा सा जो है फ्री रखिएगा। तो गाइस अगर आप इन स्टेप्स को जो है फॉलो करोगे तो आपकी बाइक की जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छे से होगी, और साथ में आपकी बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी।